हाय खाओ लोग, वेलकम टू माय चैनल खाओ लड़की में आपको स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। उसके लिए हम लेंगे एक पैन में ऑयल, उसे अच्छे से हीट अप होने देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक, इसे हमें थोड़ा सा बर्न करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियंस, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे धीमी आंच पर मैं फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ कटी हुई, और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ बीन्स कटे हुए, और उन्हें भी अच्छे से फ्राई करना है। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च कटी हुई। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें, और इसे फ्राइड होने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए चावल, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो तेज़ आंच पर बना सकते हैं, मैं इसे धीमे आंच पर बना रही हूँ। अब नमक डालेंगे, अब उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे, और उसके बाद काली मिर्च डालेंगे। ये आप अपने मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे सब मिक्स हो चुका है। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बस मैं चाइनीज़ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ऊपर से मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियंस के लीव्स, ये कलर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस एक बार से अच्छे से टॉस करना है। देख सकते हैं आप, अब मैं इसमें प्लेट में उतार रही हूँ सारे फ्राइड राइस। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। खाओ लड़की के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यूट्यूब पे भी फॉलो कर